माने रहीम। कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन सेशन का ये आज का मौजू है हमारा, नौजायदा बच्चों की देखभाल, जो कि कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नौजायदा बच्चों से मुराद है कि जो एक दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चे होते हैं, उनको हम नौजायदा बच्चे या न्यूनेट कहते हैं। अगर इनकी देखभाल में किसी किस्म की कोताही की जाए तो यहीं पे इनकी बीमारियां वाजे होती हैं और यहीं पे इनकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि पाकिस्तान का एक ख़ास मसला है। और यहीं पे अगर हम इनको देखभाल करके, अगर सही तरीके से इनकी देखभाल की जाए तो इसमें खासी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो कि हमारी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी दुनिया के ऊपर के नंबर्स में आता है। जैसा कि 1000 में से तकरीबन 45-46 बच्चों की डेथ हो जाती है, जो कि न्यूनेटल डेथ कहलाती है। तो इनकी देखभाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इनकी डेली बेसिस के ऊपर किन चीज़ों को के ऊपर हम नज़र रखें। तो डेली बेसिस पे इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी न्यूट्रिशन है, हाइजीन है, ताकि न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे उनकी, तो किसी किस्म की कोई उस तरह की प्रॉब्लम ना आए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़े और ग्रोथ पे भी पड़े। और सेकंड हाइजीन से ये है कि हम इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, मसलन इनको रोज़ाना के बेसिस के ऊपर बांध देना, इनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसकी देखभाल करना, क्योंकि इसको 7-10 दिन कम से कम लगते हैं झड़ने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जहाँ से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और डेली मसाज, डेली बाथ एंड अम्बिलिकल कॉर्ड केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर माँ को ध्यान देना चाहिए। फीडिंग, माँ के दूध से बेहतर अभी तक किसी किस्म का कोई दूध हो ही नहीं सकता, तो इसलिए माँ अपने बच्चों को हर 2 घंटे के बाद दूध पिलाए और उसकी बर्पिंग करवाए कि डकार अच्छे से दिलवाए, ताकि उनकी कंडीशनल रिफ्लेक्स डेवलप हो जाए, जो कि हर 2 घंटे के बाद दूध पीने से पहले ही बच्चे को दूध पीने की हाजत हो। और सेकंड उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। ड्यूरेशन 15 मिनट से 45 मिनट तक का होता है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो उमूमन 18 से 20 मिनट में अपनी रिक्वायर्ड मिल्क ले चुके होते हैं। और जितना ज़्यादा बच्चे दूध ले रहे होंगे उतना ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ती है और माँ कंफर्टेबल फील करती है। उसके बाद जो एक अगला मौजू है जिसके ऊपर हम बोलना चाहेंगे, कि जिसमें बच्चे की जॉन्डिस के ऊपर नज़र रखना, चूँकि हर 10 में से 6-7 बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है, जो कि एक दिन के बाद अपीयर होना शुरू होता है, वाजे होता है और 7 दिन पे एकदम पीक पे पहुंच जाता है। तो ऐसा ना हो कि उसकी हद इतना ज़्यादा हो जाए कि जिसको हमें दवाई की ज़रूरत पेश आए, मसलन उसको फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत पेश आ जाए, उसके हाइड्रेशन का ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ जाए। तो इस वजह से डेली अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले आप बैठें और जैसे ही सूरज की किरणें निकलें उनको 15 मिनट से तकरीबन 25 मिनट तक आप धूप के दिखाएं। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इन बच्चों को, जो नौजायदा बच्चों को फर्स्ट फॉलोअप पहले 72 घंटे के अंदर किसी न किसी बच्चों के डॉक्टर को अपने इलाके में ज़रूर दिखा लें। ये सारी चीज़ें जो इनिशियल फेज़ की आज हमने डिस्कस की हैं, ये एक नौजायदा बच्चों की देखभाल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेंगे। शुक्रिया और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।